आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और सीधे आपको एक बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं जो लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन अवकाश को लेकर लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षकों और बच्चों को मिलेगा शीतकालीन अवकाश। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने इसकी घोषणा की है, जहां पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक निर्धारित किए जाएंगी कक्षाएं। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की कक्षाएं निर्धारित की गई हैं। तो लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शीतकालीन छुट्टियों को लेकर जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक अवकाश मिलने वाला है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक निर्धारित होगा स्कूलों का समय, जहां पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं लगाने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। शिक्षकों और बच्चों के अवकाश को निर्धारित कर दिया गया है। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने पूरी जानकारी दी है। वहीं 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के स्कूलों का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ये कक्षाएं चलने वाली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शीतकालीन अवकाश का समय निर्धारित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने पूरी जानकारी दी है, जहां पर 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में इस वक्त शीत लहर देखने को मिल रही है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच ये शिक्षा विभाग की तरफ से खबर आना कहीं ना कहीं बच्चों और अभिभावकों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। शीतकालीन अवकाश को लेकर गाइडलाइन इस वक्त जारी कर दी गई है, जहां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच बच्चों की शीतकालीन अवकाश होने हैं। वही 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के स्कूलों का समय भी निर्धारित कर दिया गया है, जहां सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की कक्षाएं निर्धारित की गई हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गौरव, जिस तरह से शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शीतकालीन अवकाश को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो सर्दी पड़ रही है, पहले भी मौसम विभाग ने एक अनुमान लगाया था, जिस तरह से अगस्त सितंबर में जो बारिश हुई थी इसके चलते लाजिना टाइप का एक चक्रवात बन जाता था, इससे सर्दी ज्यादातर पड़ती है और ऐसा उनका पूर्व का अनुभव भी रहा है। और मौसम विभाग ने लगभग अक्टूबर में घोषणा कर दी थी कि इस बार की सर्दी है वो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और उसकी आप देख भी रहे हैं लगातार, जिस तरह से दिसंबर के पहले हफ्ते से ही सर्दी कड़क पड़ रही है, लगातार जो है लोग इसके सर्दी का सामना कर रहे हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से विद्यालय हमारे छोटे छोटे छात्र पढ़ते हैं और साथ ही साथ बड़ा फैसला इसके लिए भी माना जाता है, शिक्षकों को भी अवकाश आप लोग देखा जाता है कि शिक्षकों को अवकाश नहीं होता है, पर पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों शिक्षकों को पहली बार शीतकालीन अवकाश मिलेगा। इसके चलते 31 दिसंबर से 14 जनवरी यानी जो मकर संक्रांति होती है उस दिन तक अवकाश की घोषणा की है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रहेगा, ऐसा जो बेसिक शिक्षा के सचिव है उन्होंने अवकाश कार्यक्रम की घोषणा की है। और जो शैक्षणिक सत्र की बात करें तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूलों का संचालन होगा और ये संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षकों और बच्चों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जारी कर दिए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, आज काशी जाएंगे दिल्ली के सीएम, काशीपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून दौरे पर जाने वाले हैं दिल्ली के सीएम। वहीं आज काशीपुर के दौरे पर रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे।
वही अटकलें लगाई जा रही है कि महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा भी अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं। काशीपुर के दौरे पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। काशीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, जहां पर महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी वो कर सकते हैं। इसी बीच देहरादून दौरे के लेकर भी सूचना आ रही है, जहां पर देहरादून दौरे पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। वही आज काशीपुर के दौरे पर रहने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वही अटकलें लगाई जा रही है कि इस दौरे में वो महत्वपूर्ण घोषणा भी आज कर सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मुखर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह दौरा काशीपुर में बेहद ही अहम माना जा रहा है, जहां पर आज वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं इसी बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि आज की इस जनसभा में वो महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस महिलाओं को साधने में लगी हुई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए आज देखी जा सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर जौनपुर दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो। दो दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं अखिलेश यादव। जौनपुर के विधानसभाओं में वो जनसंपर्क अभियान चलाने वाले हैं। तो बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां पर दो दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। जौनपुर के विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान चलाने वाले हैं सपा सुप्रीमो। दो दिन का दौरा इस वक्त अखिलेश यादव का जौनपुर में देखने को मिल रहा है, जहां की तमाम विधानसभाओं में जनसंपर्क करने वाले हैं अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में लगातार पार्टियों की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर जौनपुर की विधानसभाओं में वो लोगों से संपर्क करेंगे। और इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, जहां मरीजों को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचा एक दामाद। मरीज को देखकर सपा राष्ट्रीय सचिव ने रुकवाया अपना काफिला। पूरा मामला कमालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि एक मरीज को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जहां पर एक शख्स मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल जा रहा था। इसी बीच सपा राष्ट्रीय सचिव ने अपना काफिला रुकवाकर मरीज का पूरा हालचाल जाना। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर सपा के राष्ट्रीय सचिव तस्वीरों में आपको देखे जा सकते हैं। वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे चंदौली संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजीत, चंदौली में स्वास्थ्य विभाग की एक घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर ठेले पर मरीज को लेकर जो शख्स है वो अस्पताल पहुंचता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ जानकारी है? मैम आपको हम बता दें कि रात में लगभग 7 बजे एक युवती जो महिला थी उसकी मृत्यु हो गई थी, और जिला अस्पताल ले जाते समय वो आदमी उनको फोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से भ्रमण करते हुए राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार डब्लू पहुंचे। वहां पर देखे कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, फिर वहां पर फोन की, फिर कोई भी फोन नहीं उठाया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही कमियां पाई जा रही है जी। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में सपा राष्ट्रीय सचिव जो है उनका भी कार्यवाही देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर जो शख्स जा रहा था उससे बातचीत की है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, उसके बाद उनकी क्या कुछ कार्यवाही रही? मैम हम ये बता रहे कि वहां पर यही कार्रवाई रही कि मनोज सिंह डब्लू उनको वहां पर रोके और बोले, उनसे पूछे कि एम्बुलेंस को आपने फोन किया, तो बोला कि भाई एम्बुलेंस हम फोन किए फिर, बट वो फोन नहीं उठाया, जिसके कारण तो हम लोग बीच ही में रोके और अकेले अपने, मतलब कि रात बिरात हम लोग आ रहे हैं ना, कोई हमारा सहायता करा ना। वही मनोज सिंह डब्लू फिर वहाँ अधिकारी को फोन लगाए, तब फिर वहाँ से मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, फिर लेकर उनको जिला अस्पताल पहुंची।
तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में चंदौली की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगते दिखाई दे रहे हैं। आप वहां पर मौजूद रहते हैं, वहां के तमाम क्षेत्रों में आप जायजा लेते रहते हैं, क्या कुछ हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ चंदौली की स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त है? इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही कमजोर, मतलब की बेकार पाई जा रही है चंदौली में। मैम आपको हम बता देते हैं कि इस पे बहुत ही लापरवाहिया बरती जा रही, कहीं भी समय से कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहा, इस पे बहुत ही लापरवाही पाई जा रही, जिसके आए दिन ग्रामीण को, आम जनता को, सबको मतलब की अफवाह होता चला जा रहा, जिसको दिक्कत परेशानी होती चली जा रही है इससे। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंदौली से हम आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच रहा था शख्स। और इसी बीच 15 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान, फतेह मार्च का राकेश टिकैत ने पोस्टर जारी कर दिया है। फतेह मार्च निकालने का आह्वान किया गया है, गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली तक ये यात्रा निकाली जाएगी। कल सुबह 9 बजे गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। तो बड़ी खबर किसान आंदोलन से सामने आ रही है, जहां पर 15 दिसंबर को आंदोलन पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। वहीं फतेह मार्च का राकेश टिकैत ने आह्वान किया है। आपको बता दें कि फतेह मार्च का राकेश टिकैत ने पोस्टर भी जारी किया है, गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली तक ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी, जहां कल सुबह 9 बजे गाजीपुर बॉर्डर आप छोड़ने जा रहे हैं किसान। आखिरकार एक साल से लंबे वक्त के बाद किसान आंदोलन अब पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत ने भी इसका ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब फतेह मार्च का ऐलान राकेश टिकैत की तरफ से किया गया है। और इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर, जो मैनपुरी में छात्रा का मौत मामला, नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में मिला था छात्रा का शव। 2019 में हॉस्टल में लटका मिला था छात्रा का शव। एसआईटी ने तत्कालीन प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है, केस में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था हाईकोर्ट। तो मैनपुरी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में एक छात्रा का शव बरामद किया गया था। आपको बता दें कि 2019 में यह पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। वहीं अब एसआईटी ने तत्कालीन प्रिंसिपल को पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि केस में लगातार हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था, जिसके बाद अब तत्कालीन प्रिंसिपल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मैनपुरी संवाददाता मुनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुनीष, जिस तरह से छात्रा की मौत हुई थी नवोदय विद्यालय में 2019 में, अब उसमें प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता रहे हैं, ये मामला नवोदय विद्यालय भोगांव का है। ये 16 सितंबर 2019 को ये छात्रा थी, वो हॉस्टल में छात्रावास में फांसी पे लटकी हुई पाई गई थी। तो इसमें जो है जांच बिठाई गई एसआईटी की, और तत्कालीन जिलाधिकारी थे, सीओ थे और एसओ थे, सबको सस्पेंड किया गया। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, एसआईटी की जांच में ये 20 पत्र मिले थे। जो 20 पत्र मिले थे उन पत्रों में लिखा था कि जो है अनुष्का के पत्र थे, उनमें लिखा था कि जो है मैं यौन शोषण का शिकार हो रही हूँ। लेकिन इस मामले पर ये जो प्रधानाचार्य थी, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब संज्ञान नहीं लिया तो फिर एसआईटी ने इनकी जो है गिरफ्तारी की है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक पीटी टीचर और है, उनको हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। जी तो मुनीष, जिस तरह से इस पूरे मामले में एसआईटी ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है, वहीं इस मामले में कई और लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है? जी मैं आपको बता दूं कि ये पोलोग्राफी टेस्ट हुआ है, ये करीब 300 से लेके 400 लोगों के बीच में हुआ है। तो क्योंकि जो छात्रा का जो छात्रा के शरीर पे स्पर्म था, तो उसके आधार पे ये हुआ, लेकिन अभी तक कोई एग्जिट नतीजा नहीं आया है। जी तो मुनीश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, नवोदय विद्यालय सरकारी विद्यालय है, वहां पर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए जाते हैं, बावजूद इसके इस तरह का एक हत्याकांड होना, जहां बलात्कार की बात सामने आना, कैसे देखते हैं आप कि एक सरकारी स्कूल के अंदर भी किस तरह से अब महिलाओं की सुरक्षा को खतरा है?
जी आपको बता दूं कि इस मामले में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि तीन तीन अफसर जो है जो हैं आला अधिकारी वो सस्पेंड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है कि जो है आज तक ढाक के तीन फात हैं, अभी तक कोई रिजल्ट निकला। हालांकि मैं आपको बता दूं ये 16 दिसंबर को SIT को फाइनल रिपोर्ट लगानी है कोर्ट में। जब कोर्ट हाईकोर्ट नाराज हुआ था तो उसने 3 महीने का समय दिया था, तो ये उनको जांच देनी है और इसीलिए जो है ये अपनी प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं और ये गिरफ्तारी वगैरह अपना रिजल्ट पहुंचना चाह रहे हैं। हालांकि ये घटना बहुत ही शर्मसार है। मैनपुरी के लोगों की यही मांग है कि इस घटना की CIV जांच होनी चाहिए, लेकिन SIT बिछाई गई। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हाईकोर्ट ने SIT को 4 बार तलब किया, फटकार भी लगाई है। जी मुनीश, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि मामले में लापरवाही की गई है। लगातार मांग की गई कि पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है, कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं हो रही, अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैं आपको बता दूं, जो परिवारीजन थे उनकी मांग ये थी कि इसकी जांच CBI को दी जाए। हालांकि प्रारंभिक जांच में पुलिस ये हैंगिंग का मामला बता रही थी, लेकिन जो है उसके बाद में पास्को एक्ट और 376 को शामिल किया और उसके आधार पर ये जांच को जारी रखा। लेकिन परिवारजनों का बस यही मांग थी कि इसकी CBI जांच हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। सरकार ने SIT बिठाई हुई है, इसमें 6 सदस्य हैं, मैनपुरी पुलिस अधीक्षक भी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मैनपुरी से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर नवोदय विद्यालय का हॉस्टल में 2019 में एक छात्रा का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर SIT की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर विद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 16 दिसंबर को काशी में नहीं होगी कैबिनेट बैठक, विधानसभा सत्र की वजह से रद्द हुई है ये कैबिनेट बैठक, CM की मौजूदगी में पेश होगा अनुपूरक बजट। तो वाराणसी से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक का आयोजन होना था 16 दिसंबर को, पर अब वो स्थगित कर दी गई है। विधानसभा सत्र इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, जहां अब CM की मौजूदगी में अनुपूरक बजट है वो पेश होने जा रहा है। इसी को लेकर अब कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को जो होनी थी उसे रद्द कर दिया गया है। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर दौरे पर पहुंचने वाले हैं 12 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री, रामलला समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए ये बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां 15 दिसंबर को दर्शन पूजन किया जाएगा। तो अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं भाजपा शासित प्रदेश के CM, जहां 12 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां रामलला समेत अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए ये सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। 15 दिसंबर को ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए भाजपा शासित प्रदेशों के CM और उप CM पहुंचने वाले हैं। 12 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां पर सभी रामलला समेत अन्य मंदिरों के दर्शन पूजन करने वाले हैं। 15 दिसंबर को ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर अयोध्या में इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। और इसी के साथ खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।